हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज संकट मोचन मंदिर में आए हैं। हम घर से वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम जल्दबाजी में निकले। हमारी फ्रेंड आई थी मिलने के लिए हमसे, तो हम जल्दबाजी में निकले। तो आज देखिए हम संकट मोचन, हम बोले थे एक बार कि हम 12 बीघा के संकट मोचन मंदिर में आएंगे तो एक वीडियो बनाएंगे। और बहुत चीजें हैं यहाँ पे, मंदिर बहुत है यहाँ पे। और दिखाती हूँ मैं किसके साथ आई हूँ, आप लोगों को तो पता है मैं कभी अकेले आती हूँ। ये आम नहीं दिखाई छे, ये कहीं मोबाइल में लिखे पर। कुआं देखना आप लोगों को, कुआं पानी निकालो, कुआं में से पानी निकाल। ये देखिए मोबाइल बचा के, ये देखिए ये देखिए कुआं। इस नहीं नहाना नहीं है, इस कुएं से मतलब जल भरा जाता है, शायद इसलिए कुआं यहाँ पे होगा। मैं भी नहीं देखी थी इतने दिन से, आती थी दर्शन करके बस चली जाती थी साइड साइड में, इतना टाइम नहीं देती थी मंदिर में। तो आज आई हूँ, तो बस आज फ्री टाइम से आई हूँ, आज बस वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। तो और ये भी आई, ये विराटनगर रहती है, बहुत दूर से आई है, ये शादी में आई थी तो मेरे से मिली, इसका मन था मिलने के लिए तो मिली, बहुत अच्छा लगा मिलके। और सोची कि वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी तो यादगार रह जाएगा, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। तो इसीलिए मैं और वीडियो सब लेती हूँ, अभी जस्ट मिली हूँ इससे, तो थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते फिर आते हैं। ये यहाँ पे ना बाइक का पूजा हो रहा है, कोई नया गाड़ी या कुछ लेते हैं ना, बाइक वगैरह स्कूटी कुछ भी, तो यहीं पे आके पूजा होता है। ये पंडित जी देखिए, एक हम लोग वहाँ पे गए थे, बिहार में गए थे, तो हम लोगों को अच्छी तरह से लूटा भक्ति के नाम पे, पूजा पाठ के अंधविश्वास के नाम पे, बहुत अच्छे से पैसा डाली छीन लिया था, बोला इतना पैसा जमा करो तो डाली देंगे ये वो। लेकिन हमारा नेपाल बहुत दिलदार है, ये पंडित जी
टीका लगाया, चुंदरी बांधा, मतलब पूजा अच्छे से किया और उसको 500 रुपया लेके चले गए। इतना अच्छा से, मतलब शांति से, दिल से जो देने का मन हुआ वो दिया। लेकिन ये बिहार में मतलब आप बिहारियों को दुख ना लगे, मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो दिल से श्रद्धा हो वही देना चाहिए, कोई दबाव नहीं पैसे वैसे में। भक्ति में क्या दबाव है, जो मन से होता है वही दान करना चाहिए। तो बस ये दिखाई। गाइस, हम लोग मंदिर से निकल गए, जस्ट अभी निकले हुए हैं, और यहाँ पे हम मंदिर के बाहर 12 बीघा है। हम लोग बाइक मतलब ऑटो के रास्ते से नहीं गए, सोचे कि आप लोगों को 12 बीघा का सीन दिखा देते हैं। जानकी मंदिर के बाद और संकट मोचन के बीच में 12 बीघा है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ना क्रिकेट खेलने आते शाम को, क्रिकेट ही नहीं जिसका जो मन होता है वो खेलने आते। फिर जिसको बाइक वाइक चलाना नहीं आता, स्कूटी चलाना नहीं आता, उसके ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा जगह है, बहुत मतलब बहुत बड़ा जगह है। देखिए घूम के आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा जगह है। ये देखिए, बहुत मन था मेरा यहाँ आने का, लेकिन हमारे घर से थोड़ा दूर है तो यहाँ पे आना नहीं होता है कभी भी। उसी बात मेरा दम फूल रहा है। लेकिन यहाँ पे चलना बहुत पड़ रहा है, चलते चलते वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। लोगों को तो पता है मैं अकेली नहीं आती हूँ, कभी भी मेरी फ्रेंड आई है गुड़िया, उसके साथ आई हूँ। आज बच्चे नहीं आए क्योंकि बच्चे डेली निकलते तो उनको थकावट लग जाती है। जिंदगी में लेकिन क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे बच्चों को। बहुत बहुत खुला जगह है, खुला जगह तो कहीं मिलता नहीं है ना शहर में। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, वहाँ से बीच में जानकी मंदिर पड़ेगा, उसमें दर्शन कर लेंगे और फिर वहाँ से ऑटो लेके घर चले जाएंगे। बस मेरा ब्लॉग शायद यहीं तक का रहेगा क्योंकि घर जाने के बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी। बस आप लोगों को मेन था मेरे को वो दिखाना, संकट मोचन मंदिर दिखाना। वैसे तो संकट मोचन में सैटरडे को और ट्यूजडे को, सैटरडे और ट्यूजडे दो दिन भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है ना कि वहाँ उस दिन यहाँ दर्शन करने आओ तो ही ठीक है, वीडियो वीडियो बनाने नहीं आप मिलता है, नहीं बना सकते क्योंकि बहुत भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहता है। तो इसलिए उस दिन तो इसीलिए नहीं आ आई हूँ। आज भी हो के आई हूँ शांति से कि अच्छे से आप लोगों को वहाँ का सब कुछ दिखाऊँ। जितना ही बड़ा है सबसे अच्छा तो मतलब प्रसिद्ध मंदिर है संकट मोचन, मेन तो वो था। मैं एक बार ब्लॉग में बोल रही थी आप लोगों को कि मैं 12 बीघा का वो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को, तो इसलिए मेरे को ये दिखाना था। तो मैं वीडियो का एंडिंग कर रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।